दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट पार्ट होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल डीजी बर्ड ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपका भाई फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। क्या दोस्तों, आज हम सात भाई के पास दोबारा आ चुके हैं और सात भाई के पास आने का मकसद एक तो उनकी जो वालदा का इंतकाल हो गया था, ताजियत भी करनी थी सात भाई से, क्योंकि हमारे घर वाले भी अबू भी इज्जत कर रहे थे सात भाई के पास जाए, ताजियत कह रहे हैं उनसे। जाहिर सी बात है, अब ये हमारे उस्ताद बन चुके हैं। जाहिर कोई भी एक चीज़ भी कोई बंदा सिखा दे तो वो एक उस्ताद बन जाते हैं। तो अब ये हमारे उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं और इंशाल्लाह हम लोग इनसे काफ़ी ज़्यादा सीखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में। तो आज हम इनसे एक पेयर लेने के लिए आए हुए थे। तो आज के बर्ड ब्रीड तो आ चुके हैं लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, उनको भी थोड़ी जल्दी है और हमने भी सिर्फ जो पेयर लिया आप लोग को दिखाने के लिए कि आगे वो इंशाल्लाह क्या बच्चे निकालेगा, ये सिर्फ पूछेंगे और सात भाई से फिर इंशाल्लाह इजाज़त देंगे। तो सात भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सात भाई, कैसे हैं? आज हम सात भाई से एक पेयर लेने के लिए आए हुए थे और ये देखिए सात भाई से हमने एक पेयर लिया हुआ है। अब ये के सात भाई बताएंगे इंशाल्लाह कि ये कौन सा पेयर है और आगे कौन से बच्चे इंशाल्लाह निकालेगा ये। तो सात भाई ज़रा हमें बताएं ये कौन सा पेयर है और इंशाल्लाह आगे क्या बच्चे निकालेगा। इसका वाला जो सबसे पहले घर है बुनियाद बज़ाहिर इसलिए मैं तो नॉर्मल मिलेगा है ट्रिपल सेक्टर और इसका है, ठीक है। मगर ये इसका रस्सी और गर्मी की कॉम्बिनेशन से निकला है जिसमें आपको इसके पार नज़र आ रहे होंगे। जो भी इनसे आउटर रेंज है वो वाइट कलर के हो रहे हैं। इसके साथ ही थोड़ा हाथ में पकड़ के दिखा देंगे, इसके इसी बार आगे दिखाया था। सात भाई ने पकड़ लिया हाथ में। तो सात भाई बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। ये हमारा ओ बी 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 ऑरेंज फेस का एक मेल है। ऑरेंज फेस की मार्किंग जो है इसकी टेल के अंदर है, ये पूरा वाइट आपको दिख रहा होगा, लाइट ऑरेंज कलर का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी टेल मार्किंग है, ओवर ग्रास टेल मार्किंग है, ऑरेंज और ब्लैक दोनों पट्टे आ रहे हैं। अब जो वाइट होने की वजह है इसका जो आउटर विंग है, जो विंग्स आ रहे हैं इसके क्लियर विंग्स आ रहे हैं वो सी एफ डब्ल्यू यानी वाइट कलर के हैं। तो सी एफ डब्ल्यू का भी ब्लड कैरी ऑन कर रहा है, ठीक है। एक नॉर्मल परिंदा होता है, इसका आउट जो होता है वो भी ग्रे ही होता है, इतना आपको देख नहीं रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आउटर विंग इसके वाइट कलर के होते हैं। तो ये पोटेंशियल रखता है सी एफ डब्ल्यू के भी बच्चे निकालने का। एक बहुत नायाब नसल है सी एफ डब्ल्यू ऑरेंज, उसमें बच्चे इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। और इसकी फीमेल इसके बाद दिखाते हैं। ये प्रॉब्लम ये फुल ऑरेंज भी निकाल सकते हैं साथ में, पोटेंशियल है, हाफ तो पक्का है, फुल ऑरेंज की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। मादी की वजह से फुल ऑरेंज निकाल सकता है। अब ये इसकी एक फीमेल है, ठीक है, क्रेस्टेड के अंदर फीमेल है हमारे पास, सही है, ठीक है। ऑरेंज ब्रेस्टेड की फीमेल है, ब्लैक फेस की भी लाइन है, फेशियल इसकी लाइटर है, ठीक है। ये आपको हल्की सी बारीक लाइनें दिख रही होंगी, प्रॉपर से जो है ओ बी 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 की फीमेल है, प्रोमिनेंट मार्किंग नहीं आई है, लाइट मार्किंग है, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड के ऊपर बच्चा निकला है। इसका फादर जो है वो फुल ऑरेंज का क्रेस्टेड था और फीमेल जो थी वो इजाबेल के अंदर ओ बी 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 थी, उससे ये पीछे से ब्रीड निकली हुई है फॉन कलर से। तो ये फॉन कलर इसने उठाया है लेकिन ये पोटेंशियल लगता है परिंदा कि आपको ये इजाबेल के बच्चे देगा। ये एक मादी फॉन की है लेकिन ब्लड लाइन जो है इजाबेल की उठाई हुई क्रेस्टेड की मादी है। तो ये फुल ऑरेंज की मादी है, ये पोटेंशियल लगती है फुल ऑरेंज बच्चे देने का। तो इसकी कॉम्बिनेशन जैन जो दिए इंशाल्लाह ताला एक रियलिस्ट म्यूटेशन बाहर आएगी इसमें से इंशाल्लाह। जैसे आपने पहले पेयर में भी देखा, शायद जहीम आपको दिखाया, तो वो जो पेयर भी पहले लेके गया था उसमें एल्बाइनो का था, अल्लाह ने उसको नवाजा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मेरी कॉम्बिनेशन अगर लोग बोलते हैं महंगी होती है लेकिन वो बढ़ते तो नहीं है, अगर महंगा परिंदा होता है तो वो भी महंगा परिंदा निकालता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखें, ये हम लोगों ने पेयर लिया है और अभी सात भाई ने पूरा बता दिया है। तो इंशाल्लाह क्या बच्चा इंशाल्लाह निकालेगा आप लोगों को भी पता चल गया होगा। ये आप लोगों की डिमांड पे हम बताते हैं, क्या क्या आप लोग ये पूछते हैं कि आगे ये कौन से बच्चे निकालेगा। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सात भाई के थोड़े से बर्ड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो आगे इंशाल्लाह एक्सपेंसिव बच्चे भी निकालते हैं। ये सबूत मैंने ट्राई कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जब मैं अपने पेयर की प्रोग्रेस शो करवाऊँगा आप लोगों को फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि सात भाई ने जो बोला था वो होया भी है। ऐसा नहीं है कि आगे धोखेबाजी हो रही हो या फिर आगे कॉमन निकल रहे हो या फिर ऐसे माँ बाप बिल्कुल जो है माँ बाप से हट के निकले हैं बच्चे, इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अभी सात भाई के पास थोड़े से पेयर्स बचे हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो
तो सात भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे इंशाल्लाह सात भाई का नंबर आ जाएगा और सात भाई से आप कांटेक्ट करें। ये इनके पास मेल्स बचे हैं, फीमेल सात भाई हैं इनकी? फीमेल बहुत शॉर्ट है, ये तो ही लगती है। अच्छा, फीमेल शॉर्ट है। इंशाल्लाह ये कि आप लोग सात भाई को बोल देंगे इंशाल्लाह, जब फीमेल्स इनके पास होंगी तो अवेलेबल, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये इनके पास हैं इंशाल्लाह, सात भाई का नंबर वीडियो पर नीचे आ जाएगा और जिस भाई को भी चाहिए हो कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह अच्छे बर्ड्स और अच्छी लाइन्स के बर्ड्स मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अब इंशाल्लाह सात भाई से इजाज़त लेते हैं और फिर हम लोग इंशाल्लाह जाते हैं, क्योंकि वो भी मसरूफ़ हैं जाहिर सी बात है। तो सात भाई इंशाल्लाह आप इजाज़त दें हमें, आप सबकी मोहब्बत में मिलती रही है, मुस्कुराता रहा हूँ, लेकिन पहले मिल गया है जिसमें मुस्कुराने का दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि वाले किसी मोहम्मत मिलती होती नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है जितना आप लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए गुरु शरीफ पढ़ें, अलहमद पढ़ें, कुल कवरेज करें, दुआओं में याद रखें, मुझे हिम्मत दे अल्लाह। बाकी सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, आप लोग बहुत मोहब्बतें देते हैं, जो नफरत करता है उनसे भी बोलता हूँ भाई मोहब्बत ही बांटो, नफरत करने से कुछ नहीं है। मेरे अंदर कोई बुराई है मुझे कॉल करके बताओ, इंशाल्लाह अपनी बुराई को खत्म करूँगा। कोई दिल आजारी नहीं है, किसी की भी दिल आजारी हो मुझे मैं हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता हूँ कि भाई अगर मेरी कोई बात बुरी नहीं हो तो मुझे माफ़ कर दें, उस बात को दिल में ना रखा करें। मेरी सलाह करें, मैं भी इंसान में गलत हो सकता हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, और फ़ौर मेरी सलाह कर दिया करें, एक बच्चा भी सिखाता है उस बात को सीख देता हूँ। तो बाकी आप सबसे गाँव में दरख्वास्त रहेगी, जब तक मैं मिलता हूँ आप लोगों से दरख्वास्त करता रहूँ, मेरी माँ के लिए मदद रहेगी। तो दोस्तों अभी इंशाल्लाह मैं घर पे लेके जाएंगे स्पीयर को और इंशाल्लाह फिर वहाँ पे आप लोग से मिलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह, हम लोग छोड़ेंगे जब केज में। तो इंशाल्लाह आप घर पे मिलते हैं, सात बजे से हमने इजाज़त ले ली है, अब इंशाल्लाह हम जाते हैं अपने घर पे। ये पेयर हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आ चुके हैं अपने घर पे और जो अभी सात बजे से परचेज़ किया हम लोगों ने, तो ये देखें ये दावर भी पकड़ रहे हैं, इनको डर भी लगता है फिंचों से क्योंकि अक्सर काटने वाली भी आ जाती है फिंचे। ये देखें इतनी मुश्किल से पकड़ रहे हैं, इनको पकड़ना आता नहीं था, बस वो साथ में रह रहे के मैंने इनको बोला नहीं पकड़ना तो पड़ेगा, किसी टाइम हम नहीं हुए तो आप थोड़ा सा पकड़ना तो सीखो फिंचेस को। तो ये देखें ये हमारा पेयर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और इंशाल्लाह ये जो ऊपर पेयर लगा हुआ है ना, ये जो आप लोग को मैंने कल की वीडियो में दिखाया था वो भी इसी पर आएगा इंशाल्लाह। और ये पिंजरा कुछ दिनों बाद सात भाई ने बोला कि ये पेयर जो है तकरीबन अभी डेढ़ महीना लेगा, ये अभी फुल नहीं है, डेढ़ महीना लेगा ये, तो इंशाल्लाह जब तक सेट हो जाएगा यहाँ पे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको रख देंगे और इस तरीके से हिसाब किताब इसका बन जाएगा। तो हम उसको कल वल में बॉक्स वगैरह भी लगा देंगे, वो हम लोगों ने परचेज़ कर लिए, बीकर वगैरह लगा दिया है, दाना वगैरह हम दे देते हैं इसको और इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को पसंद आ गया होगा पेयर और ये मैं इसकी प्राइस बताऊंगा, ये थोड़ा पेयर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव पेयर है और प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग को लेने हो सात भाई का आपने देख लिया सेटअप उनके पास अभी भी रखे हुए, आप लोग कांटेक्ट करें और उनसे पेयर लें, इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है बेहतरीन पेयर मिलेंगे। इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को प्रोग्रेस दिखाऊंगा अपने पहले पेयर की तो आप लोगों को और भरोसा हो जाएगा सात भाई पे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।